खबर राजधानी रायपुर से है, जहां लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत नामांकन के तीसरे दिन बुधवार को महासमुंद लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लोकसभा की सीटों को लेकर सीएम साय ने कहा कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं लेने देंगे और सभी 11 सीटों पर हम आएंगे। इसी क्रम में सीएम साय ने नक्सल हमले को लेकर कहा कि नए सुरक्षा केंद्र खोल रहे हैं, वहां के लोगों को योजनाएं नहीं मिल रही है, जिसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया है। बहुत जल्द ही नियत नेल्ला नाव के तहत अब लोगों तक विकास पहुंचेगा। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। छत्तीसगढ़ का एक भी सीट कांग्रेस को लेने नहीं देंगे। पूरी 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, मैं जैसे हमेशा से कह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद से हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। डबल इंजन की भी सरकार है और लगातार हम लोग नए सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नए सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। और सुविधा कैंप के माध्यम से जो संवेदनशील एरिया में लोगों तक जो सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं रही हैं, उन तक राशन नहीं पहुंच रहा है, उन तक सड़क बिजली पानी नहीं पहुंच रहा है, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, और इस सुविधा कैंप के द्वारा हम लोग वहां तक सरकार की इन सारी जो गरीबों की मूलभूत समस्या उसको पहुँचाना चाहते हैं। और इसके लिए नियत नेल्लानार योजना भी हम लोगों ने शुरू किया है, आपका अच्छा गाँव, उसके लिए अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। और इसके माध्यम से ऐसे संवेदनशील इलाके में हर घर में हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाना चाहते हैं।